ये एक बहुत ही रोचक कहानी है। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। एक समय की बात है कि श्री गुरुदेव नानक जी महाराज और उनके दो शिष्य बाला और मर्दाना किसी गांव में जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक मकई का खेत आता है। बाला स्वभाव से बहुत कम बोलता था, मगर जो मर्दाना था वो बात की नहीं उधेड़ता था, इनकी बहुत बोलता था। मकई का खेत देखकर मर्दाना ने गुरु महाराज से सवाल किया कि बाबा जी, इस मकई के खेत में जितने दाने हैं, क्या वे सब पहले से ही निर्धारित कर दिए गए हैं कि कौन इसका हकदार है और ये किस किस के मुंह में जाएंगे? इस पर गुरु नानक जी महाराज ने कहा, बिल्कुल मर्दाना जी, इस संसार में कहीं भी कोई भी खाने योग्य वनस्पति है, उस पर मोहर पहले से ही लग गई है और जिसके नाम की मोहर होगी वही जीव उसका ग्रास करेगा। गुरु जी की इस बात ने मर्दाने के मन में कई सवाल अंदर तक खड़े कर दिए। मर्दाने ने मकई के खेत से एक मक्का तोड़ लिया और उसका एक दाना निकालकर हथेली पर रख लिया और गुरु महाराज से यह पूछने लगा, बाबा जी कृपा करके मुझे बताएं कि इस दाने पर किसका नाम लिखा है? इस पर गुरु महाराज ने जवाब दिया कि इस दाने पर एक मुर्गी का नाम लिखा है। मर्दाने ने गुरु जी के सामने बड़ी चालाकी दिखाते हुए मकई का वो दाना अपने मुँह में फेंक लिया और गुरु जी से कहने लगा कि कुदरत का यह नियम तो बड़ी आसानी से टूट गया। मर्दाने ने जैसे ही दाना निकला वो दाना मर्दाने की श्वास नली में फंस गया। अब मर्दाने की हालत तीर लगे कबूतर जैसी हो गई। कोई चीज़ हमारी श्वास नली में फंस जाए तो एकदम खांसी आती है, इतना परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। मर्दाने ने गुरु नानक देव जी से कहा कि बाबा जी कुछ कीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। गुरु नानक देव जी ने कहा कि बाबा मर्दाना जी, मैं क्या करूँ, कोई वैद्य हकीम ही इसको निकाल सकता है। पास के गांव में चलते हैं, वहाँ किसी हकीम को दिखाते हैं। मर्दाने को लेकर वे गांव पास के गांव में चले गए। वहाँ एक हकीम मिला। उस हकीम ने मर्दाने की नाक में नसवार डाल दी। नसवार बहुत तेज थी। नसवार सूंघते ही मर्दाने को छींकें आनी शुरू हो गई। मर्दाने के छींकने से मकई का वो दाना गले से निकल कर बाहर गिर गया। जैसे ही दाना बाहर गिरा, पास ही मुर्गी खड़ी थी, उसने झट से वो दाना खा लिया। मर्दाने ने गुरु नानक देव जी से क्षमा मांगी और कहा, बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी बात पर शक किया। इसीलिए कहते हैं, जिसके भाग्य में ईश्वर ने जितना लिख दिया उसको उतना ही मिलता है।